तो यार कैसे हो आप सब लोग। आओ आज हम बनाने जा रहे हैं एक USB टू AUX कन्वर्टर। तो दोस्तों बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि एक USB को हम AUX में भी बदल सकते हैं। तो आज यार इसी का ध्यान रखते हुए एक वीडियो बनाने जा रहे हैं और देखते हैं कि ये हो सकता है या नहीं। तो यार एक सिंपल सी बात है, इसके लिए हमें चाहिए एक USB कनेक्टर कुछ ऐसा और एक AUX की केबल। तो दोस्तों मैंने ये कुछ PCB का हैंडल करने के लिए ये बनाया हुआ है। यहाँ पर आप किसी भी चीज़ को माउंट कर कर आसानी से सोल्डरिंग कर सकते हैं, चाहो तो आप बना भी सकते हैं। और यहाँ पर एक मैंने लेंस भी लगाया है। तो दोस्तों अभी मैं आपको बताता हूँ, वैसे तो आपको सर्किट डायग्राम डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये हमारे पास AUX की 4 वायरें होती हैं। ये जो हमारे पास एक खुली वाली तार है ये होती है इसकी ग्राउंड। तो हम इन सब को कर लेते हैं एक बार लाइटर की हेल्प से, ताकि इनके ऊपर की कवरिंग निकल जाए। तो दोस्तों इसमें रेड जो वायर है वो है राइट, और जो ग्रीन है वो है लेफ्ट, और ब्लैक है इसका माइक। तो अभी देखते हैं कि हम इससे कनेक्ट कैसे कर सकते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों मैं आपको सर्किट डायग्राम डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां पर आप जाकर जरूर देख लेना एक बार। तो दोस्तों वैसे तो आपको पता ही होगा कि रेड वायर कौन सी होती है, और आपको अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं कि आप इसको मल्टीमीटर की हेल्प से भी जान सकते हैं कि कौन सी वायर कहाँ पर कनेक्ट है। आपने सिर्फ इसको कंटिन्यूटी मोड में ऑन कर कर और वायर पर लगाना है। जब इसमें बीप की आवाज़ आएगी तो मतलब वो वायर उस टर्मिनल से कनेक्ट है दोस्तों। तो यहाँ पर 4 वायर और 4 टर्मिनल हैं, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ ऐसे कनेक्ट कर दिया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं सर्किट डायग्राम दोस्तों। और यार अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ से आप किसी भी ब्लूटूथ को USB में बदल सकते हैं दोस्तों। और भी अगर आपने अपनी USB को किसी भी चीज़ से कनेक्ट करना है तो आप इसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो यार अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।